तेंदुए की दहशत के 5 घंटे, 3 वकील हंसते हुए पकड़ने गए, खून से लथपथ लौटे। गाजियाबाद कोर्ट कैंपस में बुधवार को 5 घंटे तक अफरा तफरी रही। एक आदमखोर तेंदुआ कोर्ट में घुस गया। तेंदुआ ग्राउंड फ्लोर पर बनी सीढ़ियों के नीचे बैठा था। लोगों को देखा तो 2 बार हमला कर दिया। फिर भीड़ देखकर तेंदुआ कोर्ट के अंदर घुस गया। इसी बीच 3 वकील उसे पकड़ने गए तो उन पर भी झपट पड़ा। कुछ ही देर बाद वो चीखते चिल्लाते हुए खून से लथपथ वापस लौटे। उनकी आंखों में मौत का डर दिख रहा था। शोर शराबा और जानकारी मिलने पर कोर्ट के अंदर काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ लोगों ने बाहर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। वहीं बाहर सैकड़ों लोगों का मजमा लग गया, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आधे घंटे बाद वन विभाग की टीम ने कमरे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ा, लेकिन उसको पिंजरे में बंद कर ले जाने में 1 घंटा लगा। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि तेंदुआ के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।